दोस्तों इंस्टाग्राम पर ग्रो कौन नहीं होना चाहता, लाइक मैं, आप, हर कोई इंस्टाग्राम पर ग्रो होना चाहता है। बट अगर आपने अभी अभी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को स्टार्ट किया है तो जीरो से ग्रो करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो आज आप इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आप कैसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को जीरो से ग्रो कर सकते हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक ला सकते हो, वो भी ऑर्गेनिकली। तो अगर आपको ये जानना हो तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक, मैं के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। दोस्तों पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, बिकॉज जो पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं इनिशियली ग्रो करने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखिए। अब यहाँ पर किस तरीके से ग्रो करना है इंस्टाग्राम के ऊपर ज़ीरो से, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आ गया तो, बट पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इंस्टाग्राम पर आपके नीश से कंसिस्टेंट रहना होगा। आपका कोई भी नीश हो, लाइक फैशन का हो, टेक का हो, या फिर कुकिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, कोई भी आपका इंस्टाग्राम पर नीश पर आप अकाउंट बना रहे हो तो आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज फिटनेस पर वीडियो डाल रहे हो, उसके बाद में कुछ महीनों बाद आप किसी और चीज़ पर वीडियो डाल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट, वीडियो, रील्स कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, आपको उस ही नीश के साथ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर कंसिस्टेंसी से मेरे कहने का मतलब केवल नीश को लेकर नहीं थी, आपको आपके पोस्ट में भी कंसिस्टेंट रहना होगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप आज एक पोस्ट कर रहे हो तो अगला पोस्ट आप 15 दिन बाद, एक महीने बाद कर रहे हो। आपको रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा, आपको इनएक्टिव नहीं रहना पड़ेगा, वरना इंस्टाग्राम आपकी रीच रोक देगा। सो आपको हमेशा इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है, फिर कोई भी चीज़ करनी तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो डेली पोस्ट कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। उसके अलावा वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लाइक इंस्टाग्राम पर ग्रो होने के लिए क्या हमारा एक नीश होना ज़रूरी है? तो जी हाँ भाई, ज़रूरी है। आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ में इंगेज होंगे। जब आप किसी को कोई वैल्यू दोगे नहीं तो कोई आपको फॉलो क्यों करेगा, मुझे एक चीज़ बताइए। लाइक इंस्टाग्राम अब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रह गया कि आप केवल आपकी फ़ोटोज़ डाल रहे हो एंड आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम अब खुद सीरियस होता जा रहा है एंड केवल उन लोगों को वो एंगेजमेंट दे रहा है जो लोग वास्तव में अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप केवल फोटोज़ पोस्ट करके या फिर वही रील्स पर लिपसिंग करके इंस्टाग्राम पर ग्रो होना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज आप कोई भुवान बाम या फिर आशीष चंचलानी तो हो नहीं कि लोग केवल आपकी फ़ोटोज़ के लिए, या फिर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो तो आपको नॉर्मली फॉलो कर लेंगे। आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ही लोग आपको फॉलो करेंगे। अब बात कर रहे थे कि जीरो से आपको किस तरीके से ग्रो होना है। देखिए, सबसे पहले आपको, मैंने जो पहली चीज़ बताई उसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पोस्ट रेगुलर करनी पड़ेगी, एक दो हफ्ते के बाद में आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहली टिप ये है कि आपको फॉलो अनफॉलो ट्रिक का मेथड अपनानी होगी। आई नो आप लोग मेरे को भी गालियाँ दोगे, बिकॉज मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि फॉलो अनफॉलो मेथड इतनी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह। सो देखिए, वास्तव में फॉलो अनफॉलो को मैं भी इतना नहीं मानता हूँ, बट अगर आपका नया अकाउंट है, आप इनिशियली ग्रो कर रहे हो, सो फॉलो अनफॉलो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन आपको डायरेक्टली ऐसे किसी को भी पूरा फॉलो नहीं करना है, लाइक दिन में आप 100, 500, 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट की रीच रोक देगा या फिर ब्लॉक भी कर देगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 40-50 लोगों को फॉलो करना है एक दिन के अंदर। एंड वहां पर भी आपको क्या करना है, आपको आपके नीश वाले अकाउंट्स को देखना है, उनको फॉलो करना है। बिकॉज जब आप आपके नीश वाले अकाउंट्स को फॉलो करोगे तो आपको वापस उधर से फॉलो बैक मिलेंगे। तो यहां पर आपको इस चीज को ध्यान रखना है। फॉलो एंड फॉलो मेथड अगर आपको करना है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आपको डेफिनेटली फॉलोवर्स मिलने वाले हैं। सेकंड टिप की अगर मैं बात करूं तो बाकी अकाउंट से आप एंगेज कीजिए। एंगेज करने से मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका कोई, आपने फैशन से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर पेज बना दिया, अब आप डेली उस पर पोस्ट भी डाल रहे हो, रील्स भी डाल रहे हो, IGTV भी डाल रहे हो, एनीथिंग आप जो करना है वो कर रहे हो, हैशटैग्स का बरोबर यूज़ कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, लाइक एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, लाइक दो हफ्ता आपको इतना टाइम हो चुका है इंस्टाग्राम पर काम करते हुए, देन आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है आपके लेवल के पेजेस। लाइक अगर आपके 100 फॉलोवर्स है, 50 फॉलोवर्स है, इतने टाइम में आपको इतने फॉलोवर्स ईजिली मिल जाएंगे, तो 100, 50 फॉलोवर्स ऐसे छोटे लेवल फॉलोवर्स वाले आपको पेजेस को ढूंढना है, उन पेजेस पर जाकर उनकी पोस्ट में नीचे कॉमेंट करना है।
है, तो इससे होगा क्या, उनकी जो ऑडियंस है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। अब आपको नॉर्मली कमेंट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लाइक एंगेजमेंट के नाम पर केवल वो फायर वाला इमोजी या फिर वो हार्ट वाला इमोजी डाल देंगे, सो इससे एंगेजमेंट नहीं बढ़ने वाला। आपको एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट करना है, लेकिन ऐसा कमेंट करना है कि वो बाकी लोगों से हटके दिखे, लोग आपके कमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जांपल एक फैशन इन्फ्लुएंसर का पेज है एंड मान लीजिए उसने एक पोस्ट डाली जिसके हाथ में ब्रेसलेट है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक कॉमेंट कर सकता हूँ कि द ब्रेसलेट इज रियली कॉम्प्लीमेंटिंग योर आउटफिट। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा कमेंट बाकी लोगों के द्वारा और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बाकी लोग देखेंगे तो हो सकता है मेरी प्रोफाइल पर वो विजिट करें एंड जब आपका कंटेंट वो देखेंगे तो हो सकता है आपको फॉलो भी करें। रादर देन आप वो फायर वाला इमोजी डाल रहे हो, आपको ये डालना ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि लोग आपकी प्रोफाइल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सके। एंड हाँ, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये चीज़ अगर आप थोड़े अपर लेवल के अकाउंट्स के साथ में भी करोगे तो भी चलेगा। लाइक अगर आपके 100-200 फॉलोअर्स हैं तो ज़रूरी नहीं आपको छोटे अकाउंट में ही कमेंट करना है, आप नॉर्मली 5,000-10,000 फॉलोअर्स वाले पोस्ट पर भी कमेंट कर सकते हो। बट ध्यान रखिए कि जब आप कमेंट कर रहे हो जल्द से जल्द, जैसे जब वो बंदा पोस्ट करे आप जल्द से जल्द कमेंट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पर विजिट आने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड टिप जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है वो है शाउट आउट फॉर शाउट आउट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपके लेवल के पेजेस को ढूंढना है। लाइक अगर आपका फैशन इन्फ्लुएंसर का पेज है या फिर आपका फिटनेस पेज है, सो आप आपके सेम नीच के दूसरे पेजेस को ढूंढिए, सेम फॉलोअर्स या फिर थोड़े से ज़्यादा। लाइक अगर आपके 1,000 फॉलोअर्स है तो बंदे के 5,000 हो तो भी चलेगा, उनके पास में आप रिक्वेस्ट कीजिए कि क्यों ना हम शाउट आउट फॉर शाउट आउट करें। वो आपको स्टोरी में शाउट आउट देंगे, आप उनको स्टोरी में शाउट आउट दो, जिससे होगा क्या, दोनों की पब्लिक इधर उधर शफल हो जाएगी, जिससे आपको भी ऑडियंस मिलेगी एंड सामने वाले पर्सन को भी ऑडियंस मिलेगी। तो काफी ज्यादा काम करता है इंस्टाग्राम के ऊपर। शाउट आउट फॉर शाउट आउट आप जरूर कीजिए, इनिशियली आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलने वाली है। इसके अलावा आप आपके सेम नीश के अकाउंट्स के साथ में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आप उनकी पोस्ट को आपके अकाउंट पर शेयर कीजिए, वो आपकी पोस्ट को उनके अकाउंट पर शेयर करेंगे एंड ऐसे आप नेटवर्क बिल्डअप करते जाओगे तो आपकी ग्रोथ और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जिसको अगर आप इनिशियली फॉलो करते हो सो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। एंड मेरा तो रिकमेंडेशन ये भी रहेगा कि किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपका इंस्टाग्राम लॉगिन आईडी पासवर्ड मत दीजिए, बिकॉज इंस्टाग्राम आजकल वैसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। तो इनिशियली आप नॉर्मली ऐसे ही फॉलोअर्स गेन कर सकते हो बड़ी आसानी से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने किसी भी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो से रिलेटेड। अपने थॉट्स आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ इसी तरीके की वीडियोस के लिए और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये निःशुल्क है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज माइक इंगले, योर ओन टेक्नोफॉर्मेशन साइनिंग ऑफ।